हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल #smiley। गाइस, हम हमारा ये इसका सेकंड चैप्टर कर रहे थे जिस पे ये मेरी सेकंड वीडियो है, और मैं इस पे एक वीडियो एक पार्ट पहले भी बना चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा तो सबसे जाके पहले फर्स्ट वाला पार्ट देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और फिर सेकेंड पार्ट देखना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, इसे लाइक करें, मेरे चैनल #smiley को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे कि ई कॉमर्स के जो हमारा चैप्टर चल रहा है, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, उसके अंदर हम रिस्क एंड कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। रिस्क क्या होते हैं, कंट्रोल्स क्या होते हैं, उन सब के बारे में। देखो, मेजर फीचर ऑफ द ईआरपी सिस्टम इज सेंट्रल डाटाबेस, एज द कंप्लीट डाटा इज स्टोरेज सेंट्रली एट अ वन प्लेस एंड इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ डाटा एंड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ डाटा इज बिग चैलेंज। देखो, ईआरपी सिस्टम में क्या होता है कि हम जितने भी हमारे डाटा होते हैं उनको क्या करते हैं, एक ही जगह पे सेंट्रल प्लेस पे क्या करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो जिससे क्या होता है, एक साथ एक ही जगह पे स्टोर करने पे तो सेफ्टी का खतरा आ जाता है कि हमारी डाटा कोई चुरा ना ले। तो इस टाइप के जो है वो हमारे ऊपर कैस आ जाते हैं। तो मिनिमाइज द रिस्क करने के लिए हमें क्या करना है, एक जो रिस्क को कम करना क्या होता है, हमारे लिए बिग चैलेंज होता है। तो इन नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम डाटा इज स्टोरेज बाई ईच डिपार्टमेंट सेटअप, कि जो हमारा नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है उसके अंदर तो क्या करते हैं, हमारे जितने भी डाटा होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग डाटा को सेपरेट करता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे रिस्क कम होता है। बट जो ईआरपी इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर क्या होता है, हम सारे डाटा को एक साथ स्टोर करके रखते हैं, और इसके अंदर टू मेजर रिस्क आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ते हैं। तो सेंट्रल डाटाबेस, ऑल द पर्सन आर ऑर्गेनाइज एक्सेस द सेम सेट ऑफ डाटाबेस ऑन द बेसिस, कि जितने भी पर्सन होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सारे पर्सन क्या कर सकेंगे, उस डाटा को, जितने भी डाटा हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उन सारे डाटा को क्या कर सकेंगे, एक्सेस कर सकेंगे। फर्स्ट हो गया ये। सेकंड क्या आता है, दिस गेन पजेस द रिस्क ऑफ लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन टू नॉन रिलेटेड पीपल। इसमें क्या आएगा कि इन्फॉर्मेशन का लीक होने का चांस रहता है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन जिस पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती वो भी क्या कर सकता है, उसे देख सकता है। तो इससे क्या होगा कि जो लीकेज का चांसेस भी बढ़ जाते हैं। उसके बाद देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या आता है। अगेन, देयर इज़ अ सेंट्रल डाटाबेस, ऑल द यूजर्स शैल यूज़ द सेम डाटा फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। इसके अंदर क्या होगा, जितने भी यूज़र होंगे वो सेम डाटा को यूज़ करेंगे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। देयर इज़ मोर रिस्क पुटिंग इनकरेक्ट डाटा का क्या रहता है, यहाँ पे जो है वो रिस्क रहता है। अनरिलेटेड यूज़र भी आके क्या कर सकते हैं, डाटा को चेक कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, ए पर्सन इन द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट रिकॉर्डिंग अ परचेज ऑर्डर, उसने क्या किया, एक परचेज ऑर्डर रिकॉर्ड किया। देर इज़ अ रिस्क ड्यू टू सेंट्रल डाटा बेस ओनली, कंट्रोल आर नीड टू बी मिनिमाइज सच टाइप ऑफ रिस्क। तो यहाँ पे क्या चाहिए कि जो हमारे डाटा है उनको, और जो परचेज ऑर्डर था कोई और ना पास कर दे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट बना करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कंट्रोल लगाने पड़ेंगे। उसके बाद सेकंड आता है कि रिस्क इन द ईआरपी सिस्टम, की किस टाइप के रिस्क होते हैं ईआरपी सिस्टम में। सबसे पहला जो रिस्क है वो आता है फिजिकल सेफ्टी ऑफ डाटा, कि डाटा या तो सारे डाटा कोई चुरा लेता है, या फिर क्या होता है कोई आधे डाटा कोई चुराता है, यानी पार्शियल डाटा लॉस होता है। फिर अगर हम क्या रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर हमारे डाटा रखते हैं, यहाँ पे तो हम फिजिकल मोड के अंदर हमारे डाटा रख रहे थे, ठीक है, और अब यहाँ पे हम कौन से मोड में रख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर हमारे डाटा रख रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर हम डाटा रख रहे हैं तो रिस्क होगा अनऑथराइज चेंज कर दिया किसी ने, कोई पर्सन आया और उसने गलत एंट्री या पास कर दी, या फिर और कुछ कर दिया, पार्शियली कंप्लीट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया डाटा को, हमारे इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया, और हमारे जो इनकरेक्ट इनपुट है वो क्या कर दिया, डाटा इनकरेक्ट डाल दिया। बिफोर वी टॉकिंग अबाउट द रिस्क इन मोर डिटेल, इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ द कंपनी प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल रिपोर्ट, कि कंपनी अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसे बनाती है। क्योंकि जब तक हमें रिस्क का नहीं पता चलेगा, जब तक हमें कंपनी के जो प्रोसेस, अकाउंटिंग सिस्टम के प्रोसेस के बारे में नहीं पता होगा, तब तक हमें ऐसे नहीं पता चल पाएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस टाइप के रिस्क क्या है इन्वॉल्व है। तो एज कंपनी आर इंगेज इन द कॉमर्शियल एक्टिविटी एंड डिपेंडिंग अपॉन वेयर द इनकॉर्पोरेट, दे आर रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन फॉर द रिपोर्ट देयर फाइनेंशियल पोजिशन। कंपनी क्या होगी, कंपनी की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है कि वो क्या करे, फाइनेंशियल पोजिशन को के ऊपर क्या करे, कंपनी अपनी रिपोर्ट तैयार करे। सो द कंपनी में इफेक्ट होल्ड आउट देयर रीडर टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे हैव बिन प्रिपेयर आर कॉमनली अंडरस्टूड फ्रेमवर, कि जो कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट तैयार करेगी वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल कॉमनली होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल एकदम सिंपल क्लियर डिफाइन होनी चाहिए, ताकि उसे कोई भी कॉमनली अंडरस्टूड कर सके। उसके बाद होता है इन इंडिया द कंपनी आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द कंपनी एक्ट 2013 एंड द कंपनी एक्ट रूल 2014 टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, को इनका यूज़ करना पड़ेगा।
उसके बाद आता है इसके अंदर, ये तो देखो, ये आपने ऑडिट के अंदर पढ़ा होगा, एडजेशंस रिलेटेड क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस है, अकाउंट बैलेंस से रिलेटेड एडजेशन आ गई, फिर आ जाएगा अकाउंट बैलेंस से रिलेटेड एडजेशन आ गई, और प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर से रिलेटेड एडजेशन आ गई। इसके अंदर वही अकरेंस, कम्प्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन आ जाएगा, कम्प्लीटनेस, वैल्यूएशन, ये सब वही है। उसके बाद आता है रिस्क क्या है और कंट्रोल क्या क्या लगाएंगे। सबसे पहले जो हमारा रिस्क आता है वो आता है डाटा एक्सेस का रिस्क। ये रिस्क तो क्या होगा कि कोई भी पर्सन आता है, सेंट्रली डाटा स्टोर होते हैं जिसके अंदर कोई भी डिपार्टमेंट है, किसी भी डिपार्टमेंट के डाटा को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। जैसे ये देखो, ये हमारा एक अकाउंटिंग इंटी जो सेंट्रल डाटाबेस सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर ए डिपार्टमेंट के डाटा भी है, बी के भी हैं, सी डिपार्टमेंट के, डी के, ई के, एफ के, जी के, मतलब ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट के डाटा क्या एक जगह स्टोर है। अब जो हमारा ए डिपार्टमेंट वाला बंदा आएगा वो क्या करेगा, अपने डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन को तो क्या करेगा, एक्सेस करेगा ही करेगा, चलाएगा, मतलब उसके साथ साथ वो बी की, सी की, डी, ई, एफ, इन सब की भी क्या करेगा, वो इन्फॉर्मेशन देख सकता है। तो इससे क्या होगा, ये इन्फॉर्मेशन लीक कर सकता है, डाटा को चुरा सकता है। तो ये क्या है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा रिस्क है। उसके बाद देखते हैं इसके ऊपर कंट्रोल कैसे लगाएंगे। कि एक्सेस राइट नीड टू डिफाइन अ वेरी केयरफुली, इट इज़ नीड टू नो एंड नीड टू डू बेसिस ओनली। कि अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें ये होता है कि हमने ये एग्जांपल देखा, अब क्या होगा, हमें ए का राइट डिसाइड करना पड़ेगा, कि ए का हमें राइट डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कौन से डाटा को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, और कौन से डाटा को वो एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसके लिए ए के जैसे हम उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करेंगे कि ए सिर्फ ए डिपार्टमेंट के डाटा को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, उसके अलावा बी के, सी के, डी, ई और एफ के और जी के वो डाटा को क्या नहीं कर सकता, एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये हमें ये इस टाइप का हम क्या लगाएंगे, उस पर कंट्रोल लगाएंगे। उसके बाद आता है डाटा की सेफ्टी। देखो, वन सेट ऑफ डाटा इट्स द डाटा इट लॉस द होल। तो अब देखो, अब इसके अंदर क्या होगा कि हमारे होल बिजनेस में कम फॉर्म स्टील, इसके अंदर क्या होगा कि हमारे जितने भी डाटा हैं वो क्या होंगे, हम सेंटर स्टोर करके रखते हैं कि सारे डाटा को एक जगह पे स्टोर करके रखते हैं, तो उन्हें कोई भी डाटा को चुराना क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या चाहिए कि डाटा की सेफ्टी चाहिएगी। इसके लिए हम कैसा कंट्रोल लगाएंगे कि बैकअप अप अरेंजमेंट नीड टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग। इसके अंदर क्या होगा, हम बैकअप बना के रखेंगे, अगर हमारे डाटा कोई भी चोरी हो जाते हैं, कोई डिलीट कर देता है उन डाटा को, कि डाटा लॉस्ट हो जाते हैं यानी डिलीट कर देता है कोई, तो हम बैकअप के थ्रू उनको क्या कर सकें, वापस डाटा को रिसीव कर सकें। उसके बाद आता है स्पीड ऑफ ऑपरेशन। स्पीड ऑफ ऑपरेशन में क्या होता है कि एक साइज पे हम क्या करते हैं, सारे डाटा को एक ही जगह पे क्या करके रखते हैं, मेंटेन रख के रखते हैं, तो डाटा साइज बिकम मोर और मोर हो जाता है एक जगह पर रखने के कारण, और जिसके कारण क्या होता है, हमारी स्पीड क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो अब इसके ऊपर हम क्या कंट्रोल करेंगे, हम क्या करेंगे कि रिमूविंग द फ्रॉडलेंट, जो रेडुलेंट डाटा, जो इररिलेवेंट डाटा है, जो डाटा हमारे काम के नहीं है, उनको क्या कर देंगे, हम वहाँ से डिलीट कर देंगे। डाटा वेयर हाउस का यूज करेंगे, जो टेक्नोलॉजी से हमें प्रोवाइड करवाई गई है, अपडेट हार्डवेयर को हम डे टू डे अपडेट रखेंगे कंटिन्यू बेसिस पे। तो ये क्या हो गया, स्पीड ऑफ ऑपरेशन के लिए कंट्रोल हो गया, और ये स्पीड ऑफ ऑपरेशन का रिस्क हो गया। उसके बाद आता है चेंज इन दी प्रोसेस। देखो, चेंज इन दी प्रोसेस में क्या है कि ये ओवरऑल सिस्टम इज इंटीग्रेटेड, अ स्मॉल चेंज इन प्रोसेस ऑफ वन डिपार्टमेंट में रिक्वायर्ड ऑफ लॉट ऑफ अफोर्ड ऑफ मनी। देखो, चेंज इन प्रोसेस, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि सारे डाटा क्या होते हैं, सेंट्रली हम मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब अगर हम किसी एक डाटा में चेंज कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, सारे डाटा के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर चेंज होने से क्या होता है कि हमारा बहुत मनी भी जाता है और हमारा टाइम भी बहुत कंज्यूम होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंट्रोल लगाना पड़ेगा। कंट्रोल में क्या लगाएंगे, ऑल द प्रोसेस मस्ट बी डॉक्यूमेंट केयरफुली, कि हम सारा काम है वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट के साथ करें, प्रॉपर उन्हें क्या करें, इंप्लीमेंटेशन करें, ताकि हम जो अवॉइड कर सकते हैं, किसको, जो हमारी गलतियाँ हो रही है काम करने में हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, डिस्कम्फर्ट हो रहा है हमें उसको अवॉइड कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर, ताकि हमें क्या करना पड़े कि फ्यूचर में जाके हमें हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उनको क्या नहीं करना पड़े, चेंज ना करना पड़े, उसके लिए हम यही यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है स्टाफ टर्नओवर। स्टाफ टर्नओवर का मतलब क्या होता है कि जैसे एक बंदा आया, ठीक है, एक महीने उसने काम किया, फिर कंपनी को छोड़ दिया, फिर दूसरा बंदा आया, एक महीने काम किया, कंपनी को छोड़ दिया। तो ऐसे बार बार स्टाफ का आना जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टाफ टर्नओवर बोलते हैं। अब देखो ये रिस्क कैसे बन सकता है हमारे लिए, कि एक ओवरऑल सिस्टम इज़ इंटीग्रेटेड एंड कनेक्टेड विद ईच अदर डिपार्टमेंट, कि हर डिपार्टमेंट क्या होगा, ईच एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सारी इन्फॉर्मेशन को हम सेंट्रलाइज करते हैं। इट बिकम कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, उसे क्या होगा, समझना भी क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। इन केस ऑफ स्टार्ट कम जो स्टाफ टर्न ओवर इज़ बिकम इंक्रीजली डिफ़िकल्ट टू मेंटेन द सिस्टम। अब देखो क्या हुआ, हमारे स्टाफ बार बार आ जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, तो हर स्टाफ जो नया जो हमारा एम्प्लॉय आएगा, उस एम्प्लॉय को हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसे हमारे सिस्टम के बारे में समझाना पड़ेगा कि ऐसे ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो इससे क्या होगा,
हमारा खर्चा ज़्यादा आएगा, उसे मेंटेन करने में भी क्या होगी, डिफ़िकल्टीज होगी। अब इसके लिए हमें मिनिमाइज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे स्टाफ जो हैं, हमारे एम्प्लॉय बार बार आ जा रहे हैं, बल्कि उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें स्टेबिलिटी रखना पड़ेगा, स्टेबल रखना पड़ेगा कि वो लगातार कम से कम 4-5 साल, 2 साल, 3 साल काम करें। ऐसे नहीं है एक महीना आया, एक महीने बाद में गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखो कंट्रोल क्या करेंगे, मिनिमाइज़ करेंगे, हेल्प टू प्रोटेक्ट स्टाफ, ट्रेनिंग देंगे उनको, उनकी जो भी जितनी भी परेशानियाँ थी उनको क्या करेंगे हम कम करेंगे, और बैकअप का प्लान करेंगे फॉर स्टाफ टर्नओवर के लिए। बैकअप प्लान मतलब आज मान लो हमें कि ये यकीन हो रहा है कि ए नाम का जो एम्प्लॉई है वो हमारी कंपनी से जा सकता है, तो उससे इसका बैकअप मतलब एक ही जगह हम बी को पहले से ही तैयार रखेंगे कि अगर ए चला गया तो हम हाथों हाथ बी को क्या कर देंगे, उससे रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद आता है सिस्टम फेलियर। एवरीबॉडी इज़ कनेक्टेड टू सिंगल सिस्टम। सब कुछ क्या होगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, जितने भी डिपार्टमेंट होंगे एक सिंगल सिस्टम से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। तो सेंट्रल डाटा बेस इन केस ऑफ फेलियर ऑफ सिस्टम दैट होल बिजनेस मे कम टू स्टील एंड मे गेट इफेक्टेड बैडली। तो इसके अंदर क्या होगा कि अगर कोई एक सिस्टम फेल हो जाता है तो बाकी के सारे सिस्टम भी क्या होंगे, पूरी प्रॉपर तरीके से इससे अफेक्ट होंगे। जैसे ये मान लो कि हम सारे डाटा एक जगह पे स्टोर कर रहे थे, अब किसी एक डिपार्टमेंट का सिस्टम ख़राब हो गया, सारे डिपार्टमेंट क्या है, एक दूसरे से लिंक है, ए बी से, बी सी से, बी डी से, तो अगर ए का काम ही रुक जाता है, ए ही ख़राब हो जाता है, तो आगे बी सी डी ई एफ जो जी हमारे वो क्या होंगे, काम ही नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या होता है, एक हमारे लिए बड़ा रिस्क होता है। इसको हम अब क्या क्या कंट्रोल लगाएंगे, देखो फर्स्ट कंट्रोल है, इट कैन बी कंट्रोल एंड मिनिमाइज हैविंग प्रॉपर अपडेट बैकअप डाटा एज वेल एज अल्टरनेटिव हार्डवेयर। मतलब क्या होगा, हमारे पास हार्डवेयर वगैरह अल्टरनेटिव में रखने चाहिए कि एक हार्डवेयर ख़राब हो गया तो हम क्या कर सकें ताकि दूसरे हार्डवेयर को लगा सके, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ प्राइमरी सिस्टम सेकेंडरी सिस्टम में भी यूज़ कर सके। जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल देती हूँ, जैसे क्या होता है कि हमारी कार होती है, हमारी गाड़ी होती है मान लो, उसके पीछे आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक टायर एक्स्ट्रा के अंदर लगा होता है, या फिर टायर हम क्या रखते हैं डिंगी के अंदर रखते हैं। अगर बाय चांस हम ट्रैवल कर रहे होते हैं और ट्रैवलिंग के टाइम पे क्या होता है कि हमारा टायर जो है वो गाड़ी का पंचर हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास जो ये एक्स्ट्रा हार्डवेयर पड़ा था, मतलब जो एक्स्ट्रा टायर पड़ा था, उसको हम क्या कर देंगे, इससे रिप्लेस कर देंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि एक्स्ट्रा हार्डवेयर वगैरह को क्या करना पड़ेगा, हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जैसे ही हमारा एक हार्डवेयर ख़राब हुआ वैसे हम क्या कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब हमने कितने जो रिस्क और कंट्रोल पढ़े, सबसे पहले हमने पढ़ा था डाटा को एक्सेस करना, उसके बाद हमने पढ़ा था स्टाफ का टर्नओवर, डाटा की सेफ्टी, स्पीड ऑफ ऑपरेशन, चेंज इन प्रोसेस और सिस्टम ऑफ फेलियर। ये सारे हमने क्या पढ़े हैं, हमारे रिस्क और उससे रिलेटेड कंट्रोल। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रोल बेस्ड असेस कंट्रोल। देखो रोल बेस्ड असेस कंट्रोल क्या होता है कि जो पर्सन जिस मतलब रोल बेसिस कंट्रोल के अंदर होगा, जो पर्सन मतलब जो पर्सन जिस टाइप की डाटा को एक्सेस करने की उसके पास क्या कैपेबिलिटीज़ है, जिसके पास जिस डाटा को एक्सेस करने का राइट है, सिर्फ वो यूज़र क्या कर सके, उसे यूज़ कर सके। ऐसे नहीं है कि कोई भी थर्ड पर्सन आएगा और हमारी कंपनी की डाटा को चुरा के चेक करके चला जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो रोल बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम इज़ रोल बेस्ड कंट्रोल इज़ अप्रोच टू रेस्ट्रिक्टिंग सिस्टम टू अनऑथराइज यूज़र, यानी कि अनऑथराइज यूज़र को एक्सेस करने से रोकता है। देखो आज क्या हुआ, ये हमारे सिस्टम का डाटा था, ठीक है, इसके अंदर जैसे हमारे सारे डिपार्टमेंट ए बी सी डी ई इन सब की क्या है, डाटा स्टोर है, ठीक है। अब देखो अगर ए डिपार्टमेंट का बंदा आता है वो इसे देख सकता है, बी का देख सकता है, सी का देख सकता है। अब ऐसे तो हुआ नहीं कि मैं इस कंपनी में गई और मैं जाके यहाँ के कंप्यूटर पे आके बैठ गई, जो हमारा कंपनी का कंप्यूटर है उस पर जाके बैठ के और जाके ये डाटा चेक कर सकती हूँ। तो मैं क्या थी, एक थर्ड पर्सन थी, और कोई भी थर्ड पर्सन क्या है, ऑथराइज पर्सन नहीं होता कंपनी के डाटा को चेक करने के लिए। तो अब क्या होगा, कंपनी इसके लिए कंट्रोल्स लगाएंगी, जैसे कंपनी ने क्या लगा दिया, पासवर्ड लगा दिया कि अगर ये पासवर्ड डालेंगे उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, ऑथराइज कर सकते हैं। तो जो थर्ड पर्सन था, जैसे मैं किसी कंपनी में गई, तो अब मुझे क्या है, वहाँ के डाटा को एक्सेस करने का कोई भी राइट नहीं मिलेगा। अब इससे क्या होता है कि अथराइज पर्सन होते हैं वही क्या कर सकते हैं, डाटा का यूज़ कर सकते हैं। फिर देखो इट इज़ यूज बाय मोस्ट एंटरप्राइजेज एंड कैन इंप्लीमेंटेड मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल एंड डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, कि वो सिर्फ क्या होंगे, जो हमारी कंपनी है, जो हमारा एंटरप्राइजेस है, उसकी मर्जी के बगैर कोई भी पर्सन क्या नहीं कर पाएगा, हमारे कंट्रोल्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा। फिर रोल बेस्ड असेस कंट्रोल इज़ अ सम टाइम रेफर टू ए रोल बेस्ड सिक्योरिटी भी होती है, इट इज़ अ पॉलिसी नेचुरल एक्सेस है कंट्रोल मैकेनिज्म डिफाइन द रूल टू प्रिविलेज द कंपोनेंट ऑफ द आरबीसी इज रोल परमिसेज द यूजर रोल रोल रिलेशनशिप मेक इट सिंपल टू परफॉर्म द असाइनमेंट। इसके अंदर क्या होगा कि जो रोल यूज़र है, रोल रोल रिलेशनशिप, इनके बीच में ये सब क्या किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा, जिससे ऑथराइज पर्सन ही क्या कर पाएंगे, इन्हें यूज़ कर पाएंगे। आर बी ए सी इज कैन बी यूज टू फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटी इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, हंड्रेड ऑफ द यूज़र एंड थाउजेंड ऑफ परमिशन। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे इसके यूज़र्स होते हैं, बहुत सारे इसके परमिशन होते हैं, तो
उन्हें मतलब कुछ ही लोगों को क्या मिलता है, इनका ही एक्सेस करने का राइट मिलता है। उसके बाद देते हैं रोल फॉर स्टाफ एंड डिफाइनिंग इन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस द सिस्टम कैन बी गिवन अकॉर्डिंग टू द रोल असाइन। ए जूनियर अकाउंटेंट इन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इज असाइन टू रोल अकॉर्डिंग टू द बेसिक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट इन द ह्यूमन रोल डिपार्टमेंट टू असाइन द रोल गैदरिंग द डाटा सैलरी कैलकुलेशन ऑन द मंथली बेसिस। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि रोल ऑफ स्टाफ है उसमें डिफाइन किया हुआ है कि जो हमारा अकाउंटेंट है, जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, जो क्या कर रहा है कि जिसे सैलरी काउंटिंग का क्या दिया हुआ है, जिसे सैलरी काउंटिंग का काम ऑथराइज किया हुआ है, सिर्फ वही पर्सन क्या करेगा जो सैलरी वाले डाटा हो सकते हैं उनको देख सकता है, अदरवाइज और भी और कोई पर्सन उसे क्या नहीं देख सकता, डाटा को देख नहीं सकता। उसके बाद आता है टाइप ऑफ एक्सेस, किस टाइप से हम एक्सेस कर सकते हैं। क्रिएट अल्टर व्यू प्रिंट, क्रिएट अल्टर व्यू प्रिंट। क्रिएट के अंदर क्या होगा कि हम डाटा को क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर डाटा के अंदर हम चेंज कर सकते हैं, व्यू का डाटा को हम देख सकते हैं, और प्रिंट को डाटा को हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ओनली द अबो टाइप ऑफ एक्सेस कैन बी अलो डिसअलो मास्टर डाटा ट्रांजेक्शन डाटा एंड रिपोर्ट डाटा, इसके अंदर क्या होते हैं इंक्लूड होते हैं। लेट्स कंसिडर द स्मॉल केस स्टडी। देखो अब क्या हुआ, जो हमारा स्वप्निल घटा है वो क्या है, कंपनी का डायरेक्टर है। अब उसे ये टाइप की इन्फॉर्मेशन को क्या करने का, एक्सेस करने का राइट है, और वो डाटा को क्रिएट नहीं कर सकता, अल्टर कर सकता, ये क्रिएट और अल्टर वो डाटा को कर नहीं कर सकता, वो डाटा को प्रिंट कर सकता है, ट्रांजेक्शन कर सकता है, ये क्या उसको राइट दिए हुए हैं। ऐसे ही जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, पंकज देशमुख है, वो CFO है, वो क्या कर सकता है कि सेम एज डायरेक्टर बट इन सम क्रिएशन क्रिएशन है अल्टर ऑफ डाटा मास्टर डाटा ट्रांजेक्शन में भी गिवन, यानी ये डाटा को क्रिएट कर सकता है, अल्टर कर सकता है, व्यू कर सकता है, प्रिंट कर सकता है, इसे सारी अथॉरिटी दे दी, यानी डिसअलाउ से कुछ भी नहीं किया हुआ। ऐसे ही एग्जाम्पल्स है, ये आप देख लेना, इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, अगर आपने दो एग्जाम्पल भी देख लिए तो बहुत है, ये कोई एग्जाम में आपसे पूछने वाला नहीं है। उसके बाद आता है ऑडिट ऑफ ERP सिस्टम, की ऑडिट कैसे करेंगे हमारे ERP सिस्टम की। तो द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट इज टू कंट्रोल डू नॉट चेंज इन द ERP इन्वायरमेंट। व्हेन इवेलुएटिंग द कंट्रोल ओवर द ERP सिस्टम डिसीजन मस्ट बी मेड रिगार्डिंग द रिलेवेंस ऑफ ऑपरेशनल इंटरनल प्रोसीजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंट्रोल। इसके अंदर देखो अब क्या हुआ कि जो हमारा ऑडिट का ऑब्जेक्ट होता है वो क्या चेक करना कि प्रॉपर कंट्रोल है या नहीं है, डाटा के अंदर सिर्फ ऑथराइज चेंज किया जाता है या नहीं किया जाता, जो प्रोसीजर है कंपनी की, कंट्रोल प्रोसीजर है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज है, कंट्रोल है, वो सारे क्या रिलीवेंट है और अच्छे से अपना क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो हम क्या करते हैं इसमें चेक करते हैं। ओके गाइस अब देखते हैं, ERP सिस्टम कुड प्रोड्यूस एक्यूरेट कंप्लीट एंड ऑथोराइज इन्फॉर्मेशन दैट इज़ पोर्टेबल एंड टाइमली। कि ERP सिस्टम के अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, बिल्कुल सही होगी, कंप्लीट होगी और ऑथोराइज इन्फॉर्मेशन होगी, और प्रॉपर टाइम पे क्या होगी हमें प्रोवाइड होगी। इन अकाउंटिंग जो सॉरी कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट देर इज़ अ कंप्लाइंस बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल इन द ERP सिस्टम एंड कंट्रोल इन्वायरमेंट इन विच ERP सिस्टम ऑपरेट इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कंट्रोल और जो हमारे कंट्रोल है वो टू टाइप्स के होते हैं, जनरल कंट्रोल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल। ठीक है, जनरल कंट्रोल को जो फर्दर है डिवाइड किया हुआ है मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल कंट्रोल के अंदर। मैनेजमेंट कंट्रोल वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी प्रोसेस और प्लान से रिलेटेड होते हैं। इन्वायरमेंटल कंट्रोल जो होते हैं जो ऑल द ऑपरेशनल कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द कंप्यूटर सेंटर। इन्वायरमेंटल कंट्रोल वो होंगे जो कंप्यूटर सेंटर के थ्रू क्या होते हैं ऑपरेट होते हैं, कंप्यूटर ऑपरेशन ग्रुप होता है इसमें, बिल्डिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। सम ऑफ दिस क्वेश्चन ऑडिटर्स शुड बी ड्यूरिंग द ERP ऑडिटेड प्रीटी मच, सम ऑफ द दू शुड बी आस्क ड्यूरिंग द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑडिट सिस्टम। देखो सबसे पहले क्या होता है कि डज द सिस्टम डज अकॉर्डिंग टू, ये गैप के अकॉर्डिंग है यानी जनरल एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है, या फिर जनरल एक्सेप्टिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है, प्रॉपरली रेगुलराइज है, मीनिंगफुल इंटरेक्शन है क्या इन दोनों के बीच में, प्रॉपर जो प्रोटेक्शन है उनके साथ, कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटीग्रिटी है, और जो जितने भी है वैलिड है, एक्यूरेट ट्रांजेक्शन उसके अंदर रिकॉर्ड किए हुए हैं, इफेक्टिव ऑपरेशन है उसके अंदर, जो हमारे रिसोर्सेज है सिस्टम के अंदर वो प्रोटेक्ट है, अनऑथराइज एक्सेस नहीं उनका नहीं हो रहा, यूज़ नहीं हो रहा। उसके बाद रोल बेस्ड एक्सेस है यानी जो पर्सन को जो अथॉरिटी दी गई है उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उनको प्रोसेस कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम डिफाइन करेंगे उसको, फंक्शनल एक्सेप्टेबिलिटी आर रिक्वायरमेंट को मीट हो रही है या जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है जो वो सारी की सारी मीट हो रही है या नहीं हो रही है, यानी फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद में मैनुअल स्टेप्स कुछ किए गए हैं तो वो सही किए हुए हैं क्या, ऑडिट ट्रायल अवेलेबल है या नहीं है, सुटेबल परफॉर्मेंस हो रहा है या डाटा का नहीं हो रहा है, जो हमारे यूज़र्स हैं उसका वो ट्रेंड है या नहीं है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट है या नहीं है, और प्रॉपर जो एंसिलेशन प्रोसेस है या नहीं है, ये सारे इसके अंदर हम देखेंगे।
उसके बाद आता है ऑडिट ऑफ डाटा। ऑडिट ऑफ डाटा के अंदर टू टाइप आता है, एक तो फिजिकल सेफ्टी और एक आता है एसएस कंट्रोल। फिजिकल सेफ्टी के अंदर तो क्या होगा कि फिजिकल कंट्रोल लगाएंगे हम, एसएस कंट्रोल के अंदर क्या लगाएंगे, नीड टू नो द जूनियर अकाउंटेंट नॉट, मतलब जो हमारा एक्सेस कंट्रोल के अंदर देखेंगे कि जिस जो पर्सन है वो अपनी अथॉरिटी के अंदर ही रहकर क्या कर रहा है, डाटा को एक्सेस कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। जैसे नीड टू नो के अंदर क्या होगा, जैसे जो हमारे अकाउंटेंट है, जूनियर अकाउंटेंट है, उसे ना जो कंपनी का प्रॉफिट और लॉस है उसे देखने का कोई भी हक नहीं होता, मतलब कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो नहीं दे सकता। उसके बाद आता है ऑडिटिंग ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस की ऑडिटिंग कैसे करेंगे। देखो इसके अंदर आता है, दो आता है फंक्शनल ऑडिट और इनपुट वैलिडेशन। फंक्शनल ऑडिट में क्या होगा, दिस इंक्लूड टेस्ट ऑफ डिफरेंट फंक्शन। देखो फंक्शनल ऑडिट के अंदर क्या करेंगे, हम डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन को टेस्ट करेंगे, उनके फीचर को, सिस्टम टेस्ट, ओवरऑल प्रोसेस, पार्ट ऑफ प्रोसेस इन सिस्टम एंड इट कॉम्प्रोमाइज विद एक्चुअल प्रोसेस। देखो फंक्शनल ऑडिट के अंदर क्या होगा, जो हमारे डिफरेंट टाइप के फंक्शन है, फीचर है और जो हमारी सिस्टम है, प्रोसेस है, उनको क्या करेंगे, हम टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि वो सब कुछ अच्छे से चल रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे परचेज की प्रोसेस, सेल की प्रोसेस, सैलरी की प्रोसेस आ गया, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस, ये सब हम चेक करेंगे। द ऑडिटर में चेक इज दिस प्रोसेस इन द सिस्टम कंपेयर टू विद एक्चुअल प्रोसेस, कि जो ये ऑडिटर क्या करेगा, चेक कर रहा है जो प्रोसेस, उसे एक्चुअल प्रोसेस के साथ कंपेयर करके देखेगा, देखेगा कि जो हमने प्रोसेस बनाई थी और जो हम एक्चुअल में कर रहे हैं वो सेम है या फिर नहीं है। अगर सेम नहीं होती है तो अगर इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट ऑल द प्रेजेंट इन एक्चुअल प्रोसेस मे नॉट बी इंटीग्रेटेड विद आरपी सिस्टम मे बी सम मैनुअल इंटरेक्शन। ये जरूरी नहीं होता सारी इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म के अंदर हो, इसमें कोई मैनुअल इंटरेक्शन भी हो सकता है। उसके बाद होता है इनपुट वैलिडेशन। इनपुट वैलिडेशन के अंदर क्या आएगा, दिस इज स्टैंड फॉर चेकिंग द रूल ऑफ इनपुट डाटा इन टू द सिस्टम। द इनपुट वैलिडेशन क्या होगा कि हम जो हमारा सिस्टम है उसका जो हमारे डाटा को चेक करना है, तो उसके सबसे पहले क्या होगा, हम कोई फर्द जो हमारे डमी डाटा होंगे वो डाल के चेक कर लेंगे, डमी इनपुट डाटा डालेंगे और उसके बाद पता चल जाएगा कि हमारा सिस्टम सही काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, देखो ये हमारा क्या है सिस्टम है, ठीक है, और इस ये काउंटिंग का सिस्टम है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, अब मैंने ऐसे ही डमी डाटा डाल के देख लिया, जैसे मैंने लिखा 2+2 लिख दिया, तो अब क्या आता है, अगर 4 आते हैं तब तो क्या होता है हमारा सिस्टम सही होता है, अगर हमारा काउंटिंग 5 आती है तो क्या है हमारा सिस्टम में कोई ना कोई तो गड़बड़ जरूर है। फिर देखो एक एग्जांपल इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है कि कैश सेल आर सेल काउंटर मस्ट नॉट बी रिकॉर्डेड इन द डाटा अदर देन टूडे, फील द अमाउंट मस्ट नॉट बी 0। कैसे नहीं होना चाहिए कि जो हम कोई भी कैश सेल का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और उसके अंदर जो अमाउंट फिल्ड हो रहा है वो 0 हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो आज मैंने 10,000 रुपये की सेल की, ठीक है, आज मैंने 10,000 रुपये की क्या की सेल की, ठीक है, और जब मैं इसको क्या करने गई अकाउंट में रिकॉर्ड करने गई, तो यहाँ पे तो मैंने लिख दिया सेल, लेकिन जब यहाँ पे अमाउंट लिखने की बारी आती है तो वहाँ पे मैंने सिर्फ 0 लिखा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जो इनपुट डाला है वो हमने कितना वैलिड है और कितना वैलिड नहीं है। उसके बाद आता है, हमें केस स्टडी दी हुई है ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट फर्म के ऊपर। अब देखो मैं आपको ये लाइन के थ्रू नहीं पढ़ा रही, मैं अब सिर्फ आपको ये डायग्राम समझाने वाली हूँ, बाकी आपको लाइन के थ्रू खुद को पढ़ना है। देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा क्लाइंट, चलो रुक एक सेकंड वेट करो, मैं आपको कहाँ से बताऊँ, हाँ चलो मैं आपको यहाँ से ही बता देती हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होगा, जो क्लाइंट इन्फॉर्मेशन करेगा रिसिप्ट ऑफ नोटिस सी पंक, देखो ये क्या है कि निर्मित इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड अ क्लाइंट ऑफ घट्टा डिपस जो दीपेश पांडे एंड द कॉरपोरेशन रिसीव अ नोटिस फ्रॉम स्क्रूटनाइजर असेसमेंट एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉलोइंग शैल बी इवेंट। ये क्या होगा, जो हमारा क्लाइंट है उसे क्या रिसिप्ट हुआ है, सी ए पंकज गर्ग को एक टैक्स का नोटिस रिसीव हुआ है। यहाँ से देखो अब जो ये हमारा निर्मित क्लाइंट है उसको क्या हुआ, एक टैक्स का नोटिस रिसीव हुआ, ठीक है। तो उसने उस नोटिस क्लाइंट था, ठीक है, उसे क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन का नोटिस रिसीव हुआ, ठीक है, ये नोटिस रिसीव उसको हुआ। अब उसने क्या किया, जो ये हमारा सी ए पंकज पार्टनर था उसने क्या किया, अब देखते हैं आगे। ये देखो अब क्या होता है, नोटिस इज रिसीव एट सी ए फर्म पे नोटिस रिसीव हुआ और रीड और अंडरस्टूड किया गया, ए टास्क फॉर गिवन रिप्लाई द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, हमें इसके लिए क्या करना पड़ा था, रिप्लाई करना था, इसलिए हमें उसे किसने सच्ची को दिया, आर्टिकल क्लर्क था उसको दे दिया। सच्ची आस्क फॉर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उसने क्या किया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मंगवाया क्लाइंट से और डॉक्यूमेंट नीड टू बी रिटर्न टू दी क्लाइंट आफ्टर द वर्क, वो उसने काम करके अपना डॉक्यूमेंट क्या कर दिया, वापस कर दिया। फिर सच्ची वर्क एज द टास्क प्रिपेयर एंड रिप्लाई द सबमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास उन्हें सर्विट कर दिया और सीए पर जो सीए पंकज था उसने क्या किया, एंड मौर्या अकाउंटेड अबाउट इट, और उसने उसको बारे में बता दिया। फिर क्या किया, एक बिल प्रिपेयर किया बाय मौर्या ने और सीए पंकज ने उसे अप्रूव कर दिया, उसके बाद सबमिट कर दिया क्लाइंट को। फिर डॉक्यूमेंट रिटर्न किए क्लाइंट को, जितने भी डॉक्यूमेंट हमने क्लाइंट से लिए थे वो सारे रिटर्न किए और चेक रिसीव हुआ क्लाइंट को जो एज अ फीस, और उसके बाद रिसिप्ट रिकॉर्ड कर दी बुक में। अब देखते हैं हम डायग्राम, देखो
जो हमारा क्लाइंट था उसको क्या हुआ था, एक रिसीव हुआ था एक नोटिस, जो नोटिस उसने कि किसके पास भेजा, पंकज के पास भेजा। अब पंकज को क्या करना था, उसके ऊपर रिप्लाई करना था। तो उसने जो नोटिस रिसीव हुआ था वो टास्क किसको अलॉट कर दी, सचिन को अलॉट कर दी। अब सचिन ने क्या किया, जो डॉक्यूमेंट मंगवाने थे उसने सारे के सारे डॉक्यूमेंट क्या किए, अब डॉक्यूमेंट के लिए बोला तो कि मुझे ये डॉक्यूमेंट जो पैन कार्ड वगैरह वो सारे डॉक्यूमेंट दे दो। तो अब ये जो हमारी क्लाइंट था उसने क्या किया, सारे डॉक्यूमेंट सचिन को प्रोवाइड करवा दिए। जो सचिन ने क्या किया, उन डॉक्यूमेंट को क्या किया, मतलब उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो प्रोसेस करनी थी वो प्रोसेस की, और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट इसको वापस कर दिए। अब फिर क्या हुआ, जो सारे डॉक्यूमेंट थे वो क्या किया, बिलिंग करने के लिए मयूरा के पास भेज दिया, और हमारा जो क्लाइंट था उसने क्या किया, हमें फ़ीस पे कर दी, और बिल क्या कर दिया, हमने क्लाइंट को सेंड कर दिया। और जितने भी बचे हुए फिर जो टास्क था, जो भी रिजल्ट आया और कंप्लीट हुआ, उसको किसके पास भेज दिया, पंकज के पास भेज दिया। उसने क्या किया, उस पर अप्रूवल दे दी, और अप्रूवल देने के बाद पंकज ने क्या किया, वो सारा जो जितने भी डॉक्यूमेंट थे ये टास्क से रिलेटेड, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट वापस किसको दे दिए, हमारे क्लाइंट को दे दिए। गाइज ये एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ध्यान आपको इस पर देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वो सारा डिफाइन किया हुआ है जो सिस्टम हमने पीछे यूज़ किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा। नेक्स्ट आता है बिजनेस प्रोसेस मॉडल एंड अदर इंटीग्रेटेड विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। फर्स्ट वो आता है कि बिजनेस प्रोसेस होती क्या है। सबसे पहले देखिए बिजनेस प्रोसेस क्या होती है, एक सेट ऑफ एक्टिविटी होती है जो हम परफॉर्म करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं उनका किसके बीच, ऑर्गेनाइजेशन के बीच है और टेक्निकल इन्वायरमेंट के बीच। यानी जो हमारे बिजनेस प्रोसेस है वो क्या हुआ, एक सेट ऑफ एक्टिविटी हुआ जिसे हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं किसके बीच में, ऑर्गेनाइजेशन और इन्वायरमेंट के बीच में हम कोऑर्डिनेट करते हैं। दीज एक्टिविटी जॉइंटली रियलाइज अ बिजनेस गोल। और ये जो हमारी एक्टिविटीज़ है, प्रोसीजर हम परफॉर्म करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे बिजनेस का गोल हमें रिसीव होगा। ईच बिजनेस प्रोसेस इज एनेक्टेड बाई अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन बट इट इज इंटरेक्टेड विद द बिजनेस परफॉर्म्ड बाई द अदर ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज द प्रोसेस। अब देखो इसके अंदर जो टास्क हमें डिफाइन किए कि ये यूज़ कैसे करते हैं बिजनेस प्रोसेस का, कैसे बिजनेस प्रोसेस को हम क्या करते हैं मैनेज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करेंगे हम टास्क को कि क्या हमारा टास्क है, डिफाइनिंग द क्या क्या उसके अंदर स्टेप इन्वॉल्व है, उन सबको हम क्या करेंगे एक मैप पे बनाएंगे ताकि हमें क्या हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो। उसके बाद क्या करेंगे, परफॉर्मेंस मेजर करेंगे, उस जो हमने प्लानिंग किया था उसे क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, परफॉर्मेंस मेजर करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे, मेजर के डेटा, इम्प्रूव द प्रोसेस। उसके बाद क्या होगा, द लास्ट पीसेज ऑफ द प्रोसेस मैनेजमेंट डिफाइन डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन सेटअप एनेबल द स्टैंडर्डाइजेशन अदरेंस टू प्रोसेस और द ऑर्गेनाइजेशन असाइनिंग दैट द एंटरप्राइज प्रोसेस ओनर अलाइंग द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिव्यू द कंपनसेशन टू क्रिएशन ऑफ द प्रोसेस एंड कंप्लाइंस। देखो इसे आप मान सकते हो, पहले तो हम ये मानेंगे कि हम स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करेंगे, उसके बाद हम उसे इंप्लीमेंटेशन करेंगे, और फिर हम उस पर क्या करेंगे कंट्रोल करेंगे। तीन स्टेप आप इसके अंदर मान सकते हो, क्योंकि फर्स्ट के अंदर क्या होगा, हम हमारे टास्क को डिफाइन करेंगे, उस पर मैप पे बनाएंगे कि ये टास्क है, ये काम हमें करना है, उसके अंदर ये स्टेप इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद सेकंड के अंदर क्या होगा, हमने जो प्रोसेस है उनको डिफाइन किया था, अब उनको क्या करेंगे, हम उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंटेशन करेंगे, उनको परफॉर्मेंस करेंगे, उन्हें परफॉर्म करेंगे। परफॉर्मेंस होने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस मेजरमेंट करेंगे। अब देखेंगे कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन था, जो काम उसे करना चाहता था, मतलब जो गोल अचीव करना चाहता था, वो गोल अचीव हुए या फिर नहीं हुए। तो इसके अंदर देखो ये रहा कि अगर अचीव नहीं हुए थे तो हम क्या करेंगे, उन्हें कंपनसेशन करेंगे, यानी वापस से ये सारी प्रोसेस को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ये तो क्या है, हमारी बिजनेस प्रोसेस है। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज सिस्टम इंटरलिंक प्रोसेस विच इन्वॉल्व कंसंट्रेशन अफोर्ड ऑन मैप इंप्रूविंग अदर। मतलब इसमें क्या होगा, इस पर हमें कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा क्या होगा, फर्स्ट प्रोसेस पे करना पड़ेगा कि हमें मैप बनाना पड़ेगा, हमारी जो प्रोसेस है उनको इंप्रूव करने के चांसेस ढूंढने पड़ेंगे। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन एज कंपनीज डिपार्टमेंट फंक्शनल स्टेज डिफाइनिंग द रिव्यू नेटवर्क सिस्टम एज प्रोसेस, ये सब कुछ हमें इसमें करना पड़ेगा, कुछ खास नहीं लिखा हुआ लास्ट की लाइन में। अब आता है बिजनेस प्रोसेस फॉलो क्या होता है। बिजनेस प्रोसेस हमने क्या कर दिया कि सीक्वेंस ऑफ वर्क होता है, स्टेप होता है, यानी एक सेट ऑफ एक्टिविटी होती है जो क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बीच में और किसके बीच में, हमारे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बीच में, ताकि हम डिजायर रिजल्ट को क्या कर सकें, अचीव कर सकें। ए बिजनेस प्रोसेस इज इनिशिएट बाय द काइंड ऑफ इवेंट ही वेल डिफाइंड बिगनिंग एंड एंड इट इज़ यूजली कम्प्लीट इन रिलेटिव शॉर्ट पीरियड। ऑर्गेनाइजेशन आर मैनी डिफरेंट बिजनेस प्रोसेस सच एज कम्प्लीटिंग अ सेल परचेज, मतलब बहुत सारी क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रोसेस होती है, जैसे सेल से रिलेटेड प्रोसेस होगी, परचेज से रॉ मटेरियल को परचेज करना, जो एम्प्लॉयज़ को पे करना, वेंडर को पे करना, ये सारी क्या होती है बहुत टाइप की क्या होती है प्रोसेस हमारे बिजनेस के अंदर इंक्लूड होती है।
ईच ऑफ द बिजनेस प्रोसेस हैव बीन आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर डायरेक्ट डाल सकती है इफेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट डाल सकती है. द नंबर एंड टाइप ऑफ द बिजनेस प्रोसेस एंड हाउ द प्रोसेस आर परफॉर्म्ड वुड वेरी अक्रॉस द एंटरप्राइजेज एंड इट इज इम्पैक्ट बाई ऑटोमेशन. हाउ एवर मोस्ट ऑफ द कॉमन प्रोसेस वुड फॉलो अ जेनरिक लाइफ साइकिल को क्या करती है, फॉलो करती है. उसके बाद आता है अकाउंटिंग और बुक कीपिंग साइकिल. कवर द बिजनेस प्रोसेस इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग द, मतलब अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के अंदर क्या होता है, जितने भी हमारे जो भी ट्रांजेक्शन हो जाते हैं उन सबको हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं. इवेंट इन द कंपनी, इट इज़ अ वैन अ ट्रांजेक्शन और फाइनेंशियल इवेंट अकर एट एंड विद द इंक्लूजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब इनको क्या होगा कि जो जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं उनको क्या करते हैं, बुक कीपिंग करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, हम उनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं. जैसे हमने पीछे वो फाइनेंशियल प्रोसेस पढ़ी थी जिसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन के बाद कास्टिंग पोस्टिंग, फिर उसका ट्रायल बैलेंस तैयार करना, एडजस्टेड एंट्रियाँ पास करना, फिर उसके बाद हम क्या बनाते हैं, हमारा बैलेंस शीट बनाते हैं, पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं. तो बस वही क्या है, ये वाली वो प्रोसेस की बात कर रहा है. टाइपिकली जो लाइफ साइकिल ऑफ द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में इंक्लूड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन. जी देखो इसके अंदर क्या होगा, ये राज्य की मैं बात कर रही थी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले तो रिसोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट की हमारे पास ये रिसोर्सेज है, ये हमने डॉक्यूमेंट जो ये हमारे ट्रांजेक्शन है जिनका डॉक्यूमेंट जो प्रूफ है वो ये रहा. फिर हम उससे क्या करते हैं, जनरल एंट्री पास करते हैं. जनरल एंट्री पास करने के बाद हम लेजर बनाएंगे. लेजर के बाद हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे. ट्रायल बैलेंस के बाद हम एडजस्टेड एंट्रियाँ पास करेंगे. एडजस्टेड एंट्रियाँ पास होने के बाद हम क्या करेंगे, उनका बैलेंस निकालेंगे, क्लोजिंग एंट्रियाँ पास करेंगे और हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करेंगे. तो ये क्या है, हमारी अकाउंटिंग साइकिल है. इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. श्योर्स ऑफ डॉक्यूमेंट देखो क्या हो गए, हमारे वाउचर्स वगैरह जो हमने कैप्चर किए हैं, जनरल एंट्री है उनको रिकॉर्ड कर देंगे श्योर्स के थ्रू. फिर लेजर तैयार करेंगे, जैसे सेल लेजर, परचेज लेजर है, क्रेडिट लेजर, डेबिट लेजर, ये सब. उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे. फिर आ जाए एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, अगर हमने कोई भी एंट्री पास करना भूल गए तो वो सारी एंट्री हम पास करेंगे. फिर आता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे हम, क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करेंगे. उसके बाद आता है यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये क्या है कि परचेज और पेबल करना है हमें. तो हमने क्या किया, इन्वेंट्री का प्रोडक्शन किया. उसके बाद क्या किया देखो, सबसे पहले क्या किया हमने, यहाँ पे रॉ मटेरियल परचेज किया. परचेज करने के बाद उसका प्रोडक्शन किया. प्रोडक्शन करने के बाद उसे फिक्स इन्वेंट्री में कन्वर्ट किया. इन्वेंट्री में कन्वर्ट होने के बाद हमने इसको सेल किया और रिवेन्यू जनरेट की. ठीक है, और ये क्या है, फाइनेंशियल प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन की एक प्रोसेस है. यहाँ पे फिक्स असेट्स का भी हम यूज़ करते हैं और जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनको क्या पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं. ये क्या है, बिजनेस प्रोसेस साइकिल है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का. अब देखते हैं क्या होता है कि परचेज एंड पेबल आएगा, प्रोडक्शन इन्वेंटरी, ये सारा कुछ यहाँ पे वही बताया हुआ है. उसके बाद देते हैं बिजनेस प्रोसेस मॉडल कौन से होते हैं. ये तीनों मॉडल है जो आप 12th के अंदर भी क्या हो पढ़ चुके हो, 11th के अंदर भी आप ये इस मॉडल्स के बारे में पढ़ चुके हो, तो वो अब हम यहाँ पे देखते हैं. देखो आपको पता है कि तीन मॉडल होते हैं, या तो ट्रेडिंग बिजनेस होगा या फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा या फिर क्या होगा, सर्विस का बिजनेस होगा. तो देखो ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर तो क्या होता है, सिंपल होता है कि हम एक जगह से हमने माल खरीदा और दूसरी जगह पर हमने क्या किया, माल को बेच दिया. नहीं तो हम इसमें क्या करते हैं, हमारे माल को बनाते हैं, यानी बैक जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो हम इसके अंदर नहीं करते. जैसे देखो ये सिंपल मीन होता है, बाइंग और सेलिंग क्या करेंगे, गुड करेंगे विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, यानी हम इसमें से कोई भी चेंज नहीं करेंगे, है ना. द इन्वेंट्री अकाउंटिंग इज अ मेजर एक्सेप्ट ऑफ केस परचेजिंग एंड सेल द ट्रांजेक्शन ओवर द पोर्शन अकाउंटिंग एंड इट रिक्वायर टू बी अकाउंटिंग वेल इन्वेंट्री मॉडल. देखो इसके अंदर क्या होगा, ये देखो ये क्या, एक कार का शोरूम है. ठीक है, आज मैं एक क्या हूँ, रिटेलर हूँ. मैं क्या हूँ, एक रिटेलर. तो अब मैंने क्या किया, इस कार के शोरूम के पास गया और यहाँ से क्या की, 20 कार परचेज करी. ठीक है, ना ही तो मैंने इसे बनाया और ना ही इसमें मैंने कोई मॉडिफिकेशन किया, 20 कार परचेज करी और ये आगे जाके मैंने किसको सेल कर दी, अपने कस्टमर को सेल कर दी. तो ये किसका बिजनेस हो गया, हमारा ट्रेडिंग का बिजनेस हो गया. इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रेडिंग का बिजनेस बोलेंगे. उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर हम पहले तो क्या करेंगे, हमारा रॉ मटेरियल लेके आएंगे, फिर उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे उसे प्रोसेसिंग करके. फिर क्या होता है, हम इन्वेंट्री बनाएंगे और उसके बाद उसको क्या करेंगे, सेल करेंगे. तो वो कौन सा बिजनेस होगा, हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. देखो दिस टाइप ऑफ बिजनेस इंक्लूड ऑल द एक्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस प्लस एडिशनल. जो ट्रेडिंग बिजनेस है इसके अंदर इंक्लूड होगा ही होगा, इसमें साथ में मैन्युफैक्चरिंग भी इंक्लूड होगी. इसके अंदर क्या होगा, रॉ मटेरियल लेके आएंगे, उसको सेलिंग, उसको एक फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे, यानी फिनिश गुड के अंदर चेंज करेंगे उसको, और फिर उसको क्या करेंगे, सेल करेंगे. ऑफ ट्रेडिंग देर इज ऑल्सो इन्वेंट्री अकाउंटिंग प्ले अ मेजर रोल. दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री रिक्वायर्ड द अकाउंटिंग एंड कम्प्लीट इन्वेंट्री अलोन विद मैन्युफैक्चरिंग मॉडल. तो ये क्या हो गया, हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस होगा. अब देखो जो ये हमारा कार वाला शोरूम था, ये क्या करता है,
खुद क्या है रॉ मटेरियल लेके आता है, फिर उससे कार बनाता है, और कार बनाने के बाद उसे क्या करता है, जैसे रिटेलर को सेल कर दिया, होलसेलर को सेल कर दिया, या फिर क्या करता है डायरेक्ट कस्टमर को क्या करता है सेल करता है। तो ये जो सिस्टम था ये क्या करना, बनाना, फिर उसको क्या करना फिनिश गुड में कन्वर्ट करना, और फिर क्या करना उसको कस्टमर को बेचना, ये किसके अंदर इंक्लूड होगा, हमारे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर इंक्लूड होगा। तो अब देखते हैं हमारा सर्विस बिजनेस क्या होता है। दिस टाइप ऑफ बिजनेस डज नॉट हैव एनी इन्वेंट्री, कि सर्विस बिजनेस होता है क्योंकि वो क्या करते हैं अपनी नॉलेज स्किल के अकॉर्डिंग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, वो किसी गुड्स को तो सेल करते हैं नहीं। तो ये क्या करेंगे अपने, ये सेल करते हैं अपने स्किल को, अपने नॉलेज को, अपने टाइम को, अपने अफोर्ड्स को। जैसे डॉक्टर हो गया, आर्किटेक्चर, CA, CS, CWA, CMA, ये सारे क्या करते हैं, ये सर्विस का बिजनेस करते हैं, इनका कोई भी क्या होती है इन्वेंट्री नहीं होती। देयर मे बी अदर टाइप ऑफ बिजनेस इन टू सर्विस है, जैसे कोई कॉरियर का बिजनेस कर रहा है, कोई सिक्योरिटी की सर्विस क्या कर रहा है अभी प्रोवाइड करवा रहा है। तो इंडस्ट्री डज नॉट रिक्वायर द इन्वेंट्री मॉड्यूल, इनके पास क्या नहीं होती, इन्वेंट्री नहीं होती है। उसके बाद देखो क्या आता है, बिजनेस प्रोसेस में भी चेंज एज पर टाइप ऑफ बिजनेस, की बिजनेस प्रोसेस क्या होती है चेंज होती है बिजनेस के टाइप के अकॉर्डिंग। जैसे सर्विस वाले के लिए अलग बिजनेस प्रोसेस होती है, जो ट्रेडिंग वाला है उसके लिए अलग बिजनेस प्रोसेस होगी, और मैन्युफैक्चरिंग वाले के लिए अलग बिजनेस प्रोसेस होगी। देयर में भी डिफरेंट बिजनेस यूनिट विद अ बिजनेस, हैंस द डिफरेंट मॉड्यूल आर पॉसिबल इन इंटीग्रेटेड सिस्टम। देयर में भी मॉड्यूल अंडर फिगर, हमें आगे ये फिगर के अंदर मॉड्यूल दिखाया हुआ है। इलस्ट्रेशन इज द लिस्ट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल के बारे में बताया हुआ है। देखो सबसे पहले आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल, बहुत सारे। अब हम सारे इन मॉड्यूल्स के बारे में आगे डिफाइन करेंगे कि ये सारे मॉड्यूल्स क्या होते हैं। सबसे पहला जो मॉड्यूल आता है वो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल। तो देखो ये मॉड्यूल क्या करता है, इस मॉड्यूल के अंदर क्या होगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होता है ERP सिस्टम का। ये सारा हर मॉड्यूल से क्या होता है कनेक्टेड होता है, क्योंकि हर देख HR मॉड्यूल होता है, तो वहाँ उसे क्या होगा सी जो हमारा एम्प्लॉयज़ है उनको पेमेंट करने के लिए क्या सैलरी चाहिए होगी, तो सैलरी के हमें फिनांस चाहिएगा। रॉ मटेरियल खरीदने के लिए हमें क्या होता है पैसों की ज़रूरत पड़ती है, मतलब बिजनेस का हर काम करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो जितने भी बाकी सारे मॉड्यूल होते हैं वो किससे होते हैं, हमारे अकाउंटिंग मॉड्यूल के साथ क्या होते हैं कनेक्ट होते हैं। एवरी मॉड्यूल इज सम हाउ कनेक्टेड विद मॉड्यूल फॉलोइंग आर द की फीचर ऑफ दिस मॉड्यूल। अब देखो ट्रैकिंग ऑल द फॉलोइंग फाइनेंशियल डाटा, ऑर्गेनाइजेशन इन कंट्रोलिंग मैनेजिंग इंटीग्रिटी ऑल द इन्फॉर्मेशन, इफेक्टिव स्ट्रेटजी डिसीजन। देखो जो हमारा फाइनेंशियल डाटा मॉड्यूल होता है, तो ये जो हमारा फाइनेंशियल डाटा मॉड्यूल होता है वो क्या होता है सारे मॉड्यूल के साथ कवर होता है, और इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन सिस्टम ये क्या प्रोवाइड करवाता है हमें। ये देखो ये डायग्राम रहा जिसकी मैं बात कर रही थी, देखो ERP मॉड्यूल आ गया, उसके बाद फिनांस कंट्रोलिंग है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, प्रोडक्शन, मटेरियल क्वालिटी मैनेजमेंट, प्लांट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन और RCM, ये सारे क्या होंगे हमारे मॉड्यूल्स हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट जो बेनिफिट क्या है हमारा फाइनेंशियल मॉड्यूल का, क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को भी ये क्या करता है क्रिएट करता है। इसके अंदर क्रेडिट कंट्रोल है, कंपनी कोड है, ये सब इंक्लूड होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल ईयर है, पोस्टिंग पीरियड है, डिफाइनिंग द डॉक्यूमेंट टाइप है, पोस्टिंग की नंबर रेंज फॉर डॉक्यूमेंट। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबिंग सिस्टम के लिए भी क्या होता है फाइनेंशियल जो हमारा अकाउंटिंग मॉड्यूल है वो उसके साथ कवर होता है। जर्नल लेजर अकाउंटिंग इसके साथ भी होता है, कि चार्ट ऑफ अकाउंटिंग है, ग्रुपिंग है, डिफाइन द रूल्स रेगुलेशंस, तो इसलिए भी टैक्स होता है क्योंकि टैक्स भी हमें पे करना पड़ता है, तो वो भी इससे इंक्लूड होगा। पेबल होते हैं, रिसीवेबल होते हैं, अकाउंटिंग जो हमारी एसेट्स है वो भी क्या होती है फाइनेंशियल मॉड्यूल के साथ अटैच होती है। इंटीग्रेशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल है, ये सब क्या होते हैं हमारे फाइनेंशियल मॉड्यूल के साथ कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि हर कोई ना कोई काम करने के लिए हमें क्या होती है, तो क्या होता है हमें उन सब के लिए फिनांस की ज़रूरत पड़ती है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, आता है कंट्रोलिंग मॉड्यूल। कंट्रोलिंग मॉड्यूल क्या होता है, देखो कंट्रोलिंग मॉड्यूल इज़ अ फैसिलिटेटेड कोऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइज ऑल द प्रोसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये कंट्रोलिंग मॉड्यूल क्या करेगा, हर प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करेगा, उन्हें मॉनिटर करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को। इट कंट्रोल दैट बिजनेस फ्लो इन ऑर्गेनाइजेशन। दिस मॉड्यूल हेल्प इन एनालाइजिंग द एक्चुअल फिगर विद द प्लान डाटा। इसको अंदर क्या करेंगे एनालाइज करते हैं हम एक्चुअल डाटा को प्लान डाटा के साथ। देखो ये हमारी कंट्रोल प्रोसेस होती है, उसके अंदर क्या होता है कि हम पहले तो करते हैं प्लान करते हैं, प्लानिंग करने के बाद हम उसको क्या करते हैं प्रोसेस करते हैं, और हमारे जो इन हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर हम क्या करते हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। देखो एक सेकेंड, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं प्लान करेंगे, प्लान करने के बाद हम उसे क्या करेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक
ठीक, सॉरी, इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद हम उसे क्या करते हैं, अब कंट्रोल लगाते हैं। अब देखते हैं जो प्लानिंग के अंदर जो गोल हमने डिसाइड किए थे वो गोल हमें बाद में अचीव हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। उन अचीव करने के, इन दोनों को करते हैं हम कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि ये गोल हमें अचीव हुए हैं या फिर ये गोल हमें अचीव नहीं हुए हैं। अगर गोल हमें अचीव नहीं, जैसे हमने देखा था कि इस बार हमारी सेल कितनी, 1 लाख रुपये से हम क्या 1 लाख रुपये हम सेल करेंगे, ठीक है, इसके लिए हमने प्लान बनाया था और उसे इम्प्लीमेंट किया था। फिर जब ईयर एंड के अंदर हमने सेल देखी तो वो सेल हमारी कितनी, सिर्फ 50,000 रुपये ही हुई। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा इन दोनों को हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि हमने जो टारगेट था उस प्लान में हमारी क्या कमी रह गई थी कि हमारा सेल है वो 1 लाख की बजाय क्या हुई, 50,000 हुई। तो ये क्या है, हमारी कंट्रोल एक्टिविटीज़ लगाएंगे हम इसके अंदर। ये देखो तो इसके अंदर क्या होगा, प्लान फिगर के साथ क्या करेंगे हम देखते हैं। टू काइंड ऑफ एलिमेंट होते हैं, कॉस्ट एलिमेंट और रिवेन्यू एलिमेंट। दीज एलिमेंट आर स्टोर्ड इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल के अंदर। तो की फीचर ऑफ दिस मॉड्यूल आर एज अंडर द कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग ओवरव्यू ऑफ द कॉस्ट एंड रिवेन्यू दैट अकर इन दी ऑर्गेनाइजेशन। कॉस्ट एलिमेंट क्या करेगा कि कितनी कॉस्ट है ऑर्गेनाइजेशन की अकर हो रही है, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग क्या है, एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, इंटरनल ऑर्डर के किस किस टाइप के ऑर्डर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। फिर आ जाएगा प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग, किस टाइप की प्रोडक्ट की, मतलब क्या करेंगे, कॉस्ट को हम कैलकुलेट करेंगे कि कितनी कॉस्ट, मैक्सिमम कितनी कॉस्ट एक प्रोडक्ट की हमें पड़ रही है। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी की, कितना प्रॉफिट हमें मिल रहा है या फिर जो प्रॉफिट सेक्टर की है, फिर हम उसको अकाउंटिंग करेंगे। फिर आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। ये देखो इसके अंदर क्या होगा कि प्री, पहले तो सबसे पहले होगा क्या, प्री सेलिंग एक्टिविटीज, यानी उसे मैन्युफैक्चरिंग करना और फिनिश गुड के अंदर तैयार करना। फिर जो हमारा कस्टमर होगा वो क्या करेगा, हमें ऑर्डर देगा, फिर हम हमारी इन्वेंटरी देखेंगे, इन्वेंटरी देखने के बाद हम क्या करते हैं उसे डिलीवरी के लिए भेज देंगे, डिलीवरी होने के बाद हम उसकी क्या करेंगे, बिलिंग करेंगे, बिलिंग के बाद हमें क्या होगा, पेमेंट रिसीव हो जाएगा। फिर वापस से हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और सेल करेंगे, और यही प्रोसेस क्या करते रहेंगे हम फॉलो करते रहेंगे। देखो सबसे पहले क्या आता है, जो हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है, ये इज हेल्प टू जो हाई लेवल ऑफ इंटीग्रेशन कॉम्प्लिसिटी सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूज इज ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम इंक्वायरी ऑफ ऑर्डर एंड एंडिंग विद डिलीवरी। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है वो हमारा क्या करेगा, इसके अंदर वो करता है कि जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल होता है इसकी एक्टिविटी कहाँ से स्टार्ट होती है कि हमें क्या हो, ऑर्डर रिसीव हो, ऑर्डर रिसीव होने के बाद हम क्या करते हैं उसके ऑर्डर को फुलफिल करते हैं। तो इसके अंदर ही हमें ये बताया हुआ था इस मॉड्यूल के अंदर। अब देखो जो हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी मोनिटर आ पैलेथोरिस एक्टिविटी दैट टेक अ प्लेस इन आ ऑर्गेनाइजेशन सच एज प्रोडक्ट इंक्वायरी क्वाटेशन है प्लेसिंग द ऑर्डर प्राइसिंग। इसके अंदर क्या होगा, हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़, तो इसके लिए क्या होता है प्री सेल एक्टिविटीज़ के अंदर, तो इंक्वायरी करना, क्वाटेशन मंगाना, ऑर्डर को प्लेस करना, फिर आता है शेड्यूल डिलीवर करेंगे हमें, वो सारा जो मैंने अभी आपको डायग्राम के थ्रू समझाया था वो सब यहाँ पे बताया हुआ है। अब देखते हैं इन ऑल दिस प्रोसेस मल्टीपल मॉड्यूल इन्वॉल्व, द फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल, कंट्रोलिंग मॉड्यूल, मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल, प्रोडक्शन मॉड्यूल, लॉजिस्टिक मॉड्यूल, विच जिस शो द कॉम्प्लिसिटी ऑफ इंटीग्रेटेड इन्वॉल्विंग। इन सब के अंदर क्या होती है, कॉम्प्लिसिटी होती है। अब देखते हैं हम करेक्टरिस्टिक क्या है, फीचर क्या है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के। तो सबसे पहला आता है कि सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को सेटअप करते हैं, उसके कोड, न्यू कंपनी सेटअप करनी है, कंपनी के कोड, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा, डिवीज़न क्या होंगे, एक बिजनेस का एरिया, प्लांट, सेल, वो सब क्या करते हैं हम कंपनी का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। उसके बाद असाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। अब इसके अंदर क्या होगी, असाइनिंग ऑफ इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट, क्रिएट द अबो एक्टिविटी ईच अदर अकॉर्डिंग लाइक टू कंपनी कोड। मतलब पहले तो क्या करेंगे हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि हमें इस टाइप की स्ट्रक्चर चाहिए। फिर स्ट्रक्चर देखने के बाद जो पर्सन जिस काम को करने के लिए क्या होता है, जिस काम को करने के लिए कैपेबल होता है उसे उसी प्रकार का क्या काम काम क्या किया जाएगा, असाइन किया जाएगा। कि जैसे किसी को दे दिया सेलिंग से रिलेटेड, किसी को ले दिया कंपनी के कोड को डिज़ाइन करना, कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से रिलेटेड किसी को काम दे दिया। फिर आता है प्राइस को डिफाइन करेंगे हम कि कॉम्पोनेंट जो हम सेल करें उनका प्राइस क्या होगा, क्या क्या कंडीशन होगी, कंडीशन के टाइप क्या होंगे। फिर आ जाएगा कि सेटिंग अप द, फिर हम डॉक्यूमेंट टाइप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, जैसे बिल का किस टाइप के बिल्स होंगे, उससे टैक्स रिलेटेड कंपोनेंट्स क्या क्या है। फिर आ जाएगा कस्टमर के मास्टर डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, कस्टमर के मास्टर डाटा जैसे उसका नेम क्या है, किस टाइप का वो हमारा कस्टमर है, क्या चीज़ है वो हमसे खरीदता है, तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगे हम डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद आता है हमारा
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी से रिलेटेड प्रोसेस जो हमने डायग्राम के थ्रू समझे थे। देखो, प्री सेलिंग एक्टिविटी में क्या होगा, इसके अंदर होगा कि आइडेंटिफाई करेंगे हम कस्टमर को, कस्टमर की नीड को, फिर डाटा को कलेक्ट करेंगे, पोस्टोइंग करेंगे, डिस्कशन, सबमिशन और क्वाटेशन को क्या करेंगे हम सबमिट करेंगे। फिर क्या करेंगे हम सेल का ऑर्डर दे देंगे। सेल के ऑर्डर के अंदर ही इज बुक आफ्टर गेटिंग अ कन्फर्मेशन परचेज ऑर्डर टू फ्रॉम द कस्टमर। कस्टमर क्या देंगे, हम परचेज ऑर्डर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, परचेज ऑर्डर मिल जाएगा। फिर उसके बाद आता है इन्वेंट्री सोर्सिंग, फिर क्या करेंगे हम हमारी डिलीवर करेंगे। इन्वेंट्री होती है जो फिनिश गुड होता है उसको हम बना के रखेंगे। डिलीवरी से पहले हमें क्या होगा, इन्वेंट्री चाहिएगी, तो हम क्या करेंगे इन्वेंट्री का बंदोबस्त करेंगे। फिर उसके बाद करेंगे मटेरियल को डिलीवर कर देंगे। डिलीवर टू कस्टमर एज अ प्री सेल ऑर्डर ऑल द इन्वेंट्री डिटेल कॉपी है, मतलब इन्वेंट्री से रिलेटेड सारी भी डिटेल्स है वो क्या कर देंगे हम उसके पास सेंड कर देंगे। ट्रांजेक्शन है विद लिंकेज विद सेल ऑर्डर स्टॉक बैलेंस सच एज रिडक्शन ऑन द अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांजेक्शन। उसके बाद आता है बिलिंग। बिलिंग करने के बाद क्या होगा, अब अपने क्या करते हैं डिलीवर कर दिया, डिलीवर करने के बाद हम बिल तैयार करेंगे, जिसके अंदर एक कॉपी तो सेलर के पास रहेगी, एक कॉपी किसके पास रहेगी, एक कॉपी सेलर के पास, एक कॉपी जो हमारा परचेजर है या जो हमारा कस्टमर है उसके पास रहेगी। और उसके अंदर सारी डिटेल डिफाइन होगी कि कितने का माल था, किस प्राइस पे था, तो उसके अंदर सारी जो हमारी डिटेल है वो रहेगी। फिर आता है नेक्स्ट, उसके बाद क्या होगा, बिलिंग होने के बाद वो क्या कर देंगे, हमें रिसिप्ट फ्रॉम द कस्टमर होगा, तो बिलिंग होने के बाद क्या करेंगे, कस्टमर हमें क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज मॉड्यूल। तो देखो इस मॉडल में अंदर क्या आता है वो हम देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मॉडल, दिस मॉडल एनहेंस द वर्क प्रोसेस एंड डाटा मैनेजमेंट विच एचआर डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस। कि ये किससे रिलेटेड होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनसे रिलेटेड क्या करेगा, डाटा को स्टोर करके रखेगा। मतलब उसके अंदर क्या होगा कि हमें जो हमारे एम्प्लॉय को हायर करना, राइट पर्सन को इवेल्युएट करना, परफॉर्म करना, मैनेज करना, उसको प्रमोशन करना, कंपनसेट करना, उसकी सैलरी का हैंडल करना, रिलेटेड एक्टिविटी ऑफ एंड एच आर ए इज प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द मॉडल। द टास्क ऑफ मैनेजिंग द डिटेल एंड टास्क फ्लो ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेज बाई यूजिंग दिस मॉडल। तो अब देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा, जो मॉडल रिसोर्स है इसके अंदर क्या होगा कि हम इंप्लॉय को रिक्रूट करना, फिर उसको सैलरी डिसाइड करना, उसको ट्रेनिंग देना, ये सारे काम क्या होते हैं इसके अंदर इंक्लूड होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ मास्टर डाटा एडमिनिस्ट्रेशन इज ह्यूमन रिसोर्स इज टू बी एंटर द एम्प्लॉय रिलेटेड डाटा फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम रिकॉर्डिंग। इसके अंदर क्या होगा कि हम एम्प्लॉय से रिलेटेड डाटा रखेंगे कि कितने टाइम के लिए वो काम करता है, उसका पे रोल में क्या प्रोवाइड करवाते हैं, उसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या है। ह्यूमन रिसोर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन, द डिपार्टमेंट मेंटेन द टोटल एम्प्लॉय का क्या रखेगा, पूरा डाटा बेस रखेगा, कितनी उसे सैलरी दी जाती है, किसका वो का EIS है, कितना उस पर क्या होता है ESIS, सॉरी कितना उसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड मिलता है, कितना उसे प्रोविडेंट फंड मिलता है, वो सब क्या करेंगे हम डिफाइन करके चलेंगे। उसके बाद आता है कंसीडरिंग मेन पावर फॉर रिक्वायरिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ 1 month चॉक ऑफ द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शो इट इज रिगार्डिंग एवरी एक्सेप्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इज टेकिंग केयर ऑफ द डिफाइनिंग द मास्टर शिफ्ट डाटा। तो इसके अंदर क्या होगा, इंप्लॉय से रिलेटेड जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको हम क्या रखते हैं, प्रोटेक्शन में रखते हैं, एकदम सेफ्टी के अंदर रखते हैं। जैसे ये देखो ये हमें दिया हुआ है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के बारे में, जैसे उसे रिक्रूट करना, फिर उसे हायर करना, फिर उसके टाइम देखना, एक्सपेंसेस देखना, उसके प्रे रोल देखना, उसका एजुकेशन का रिकॉर्ड देखना, किस डिपार्टमेंट को वो मेंटेन कर रहा है, किस प्रकार के बेनिफिट उसको मिल रहे हैं, उसको डेवलपमेंट करना यानी उसे ट्रेनिंग देना, फिर उसका जगह कोई अगर उसकी सैलरी में कोई चेंज करना है तो वो, अगर उसका कोई रिटायर मतलब अगर वो रिटायर हो रहा है तो वो देखेंगे, या फिर हम उसके प्रमोशन दे रहे हैं तो वो सब देखेंगे, कितनी कितनी छुट्टियाँ ली थी और उसमें उसका कोई टर्मिनेशन कि कब वो छोड़कर जा रहा है वो सब देखेंगे हम। पर्सनल एक्शन के अंदर क्या होता है इंक्लूड होता है, ये सब आपस में एक दूसरे से क्या होता है कनेक्टेड होते हैं, ऐसे नहीं है कि पहले ये एक्टिविटी परफॉर्म होगी उसके बाद ये एक्टिविटी परफॉर्म होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है ये जो डायग्राम से के अंदर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो सारा का सारा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर आता है प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल क्या होता है। देखो प्रोडक्शन प्लानिंग मॉडल के अंदर क्या होगा कि हम रॉ मटेरियल लेके आएंगे स्टोर में, WIP में यानी वर्क इन प्रोसेस में उसे कन्वर्ट करेंगे, फिर फिनिश गुड में उसे कन्वर्ट करेंगे और हम क्या भेजेंगे उसे गोडाउन के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है जो डिज़ाइन करेगा स्पेसिफिकली प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए और उसे मैनेज करने के लिए क्या किया डिज़ाइन किया हुआ है। इसके अंदर मास्टर डाटा, कॉन्फिगेशन डाटा, ट्रांजेक्शन डाटा सब कुछ रिकॉर्ड होता है। कंप्लाइंस द प्लानिंग प्रोसीजर फॉर प्रोडक्शन। फिर आता है प्रोडक्शन मॉडल कोलेबरेट विद द मास्टर डाटा सेलिंग ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ रिसोर्सेज करना, मतलब जो प्रोडक्शन मॉड्यूल होगा वो किसके साथ कोलेबरेट करेगा और सेल के साथ करेगा, क्योंकि प्रोडक्शन मॉड्यूल होगा वो किसके अकॉर्डिंग, जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है वो सेल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या करेगा,
माल को प्रोड्यूस करेगा, देखेगा कि सेल्स डिपार्टमेंट है कितनी यूनिट्स को सेल कर सकता है और कितनी यूनिट हमें क्या करनी है बनानी है, तो उन सब के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे बनाएंगे इसको। प्लानिंग है प्रोडक्शन कॉस्ट प्लानिंग एंड सो वेल द वर्किंग टवर्ड प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंटरप्राइजेज आ जाएगा। अब देखते हैं मटेरियल मैनेजमेंट मॉडल क्या होता है। मटेरियल मैनेजमेंट देखो बहुत सारी इसके अंदर प्रोसेसेस इंक्लूड होती है, तो मटेरियल मैनेजमेंट मॉडल अब देखते हैं इसका कोई डायग्राम दिया हुआ है क्या हमें। हाँ दिया हुआ है ना। देखो सबसे पहले क्या होगा, मैं आपको सिर्फ ये डायग्राम ही समझाने वाली हूँ, उसके बाद ये आपको पढ़ना है बिकॉज सारी प्रोसेस यहाँ पर आपको बताई हुई है। देखो मटेरियल मैनेजमेंट मॉडल के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले जो परचेज डिपार्टमेंट होगा उसके पास रिक्वायजनिस्ट आएगी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैसे लगता है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो परचेज डिपार्टमेंट को क्या भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे इसी चीज़ की ज़रूरत है। तो वो परचेज डिपार्टमेंट होगा वो इवेलुएट करेगा कि कहीं ये चीज़ पहले से पड़ी है, पड़ी तो नहीं है, तो अब ये चीज़ जो पहले से नहीं पड़ी हुई है तो वो क्या करेगा उसे इवेलुएट करने के बाद, फिर उसके बाद क्या होगा, परचेज डिपार्टमेंट को ये लगता है कि ठीक है ये सामान जो हमारे से जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बुला मंगवाया था वो सामान हमारे पास नहीं पड़ा। फिर क्या होगा, जो हमारा परचेज डिपार्टमेंट होगा वो क्या करेगा वेंडर से यानी सेलर से क्या मंगवाएगा, क्वाटेशन मंगाएगा। अलग अलग सेलर से अलग अलग टाइप की क्वाटेशन मंगाता है कि किस टाइप की चीज़ें क्या है हमें ज़रूरत है। मतलब कि कोई तो हमें 100 रुपये पर यूनिट के बताएगा, कोई हमें 101 रुपये पर यूनिट के बताएगा, कोई किसी की क्वालिटी किस टाइप की होगी, तो अलग अलग क्वालिटी के अलग अलग बायर्स वो है वो क्या करेंगे हमें क्वाटेशन भेजेंगे। उसके बाद हम उन क्वाटेशन का इवेलुएट करेंगे कि कौन सा क्वाटेशन बेस्ट है और मिनिमम कॉस्ट पे है। फिर हम क्या करेंगे, सिलेक्ट होने के बाद हमें उन क्वाटेशन को अप्रूव करेंगे और ऑर्डर प्लेस करेंगे। ऑर्डर प्लेस करने के बाद क्या होगा, हमें मटेरियल रिसीव हो गया, मटेरियल रिसीव होने के बाद वो हम कहाँ भेज देंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेज देंगे। फिर हम परचेज इनवॉइस को क्या करेंगे रिकॉर्ड करेंगे, उसके लिए हम क्या कर देंगे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास भेज देंगे, और फिर हम वेंडर को क्या कर देंगे पेमेंट कर देंगे। तो ये सारी की सारी क्या करते हैं हम प्रोसेस के अंदर फॉलो करते हैं जो आपको पढ़नी है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा आता है, क्वालिटी मैनेजमेंट मॉडल क्या होता है। सो गाइस अब देखते हैं हम क्वालिटी कंट्रोल वो सॉरी क्वालिटी मैनेजमेंट मॉडल। तो क्वालिटी मैनेजमेंट मॉडल हेल्प द मैनेजमेंट, क्वालिटी को मैनेज करने के अंदर क्या करता है वो हमारी हेल्प करता है कि किस टाइप की क्वालिटी हम लेंगे। तो इसके अंदर दिस क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू एक्यूरेटर द बिजनेस बाय अडॉप्टिंग अ स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल वे टू मैनेजिंग द क्वालिटी इन डिफरेंट प्रोसेस। वो क्या करते हैं क्वालिटी को मैनेज करते हैं, वो क्या करेंगे अपनी जो क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल कोलेबरेट इन द प्रोडक्शन, वो क्या करेंगे सेलिंग डिपार्टमेंट से क्या करेंगे कनेक्ट होंगे। वो पूछेंगे सेलिंग डिपार्टमेंट के कस्टमर किस टाइप की क्वालिटी की डिमांड कर रहे हैं, उसी टाइप के अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे जो हमारी गुड्स है उसको क्या करेंगे प्रोड्यूस करेंगे, प्लानिंग करेंगे उसी के अकॉर्डिंग, उसे इंस्पेक्शन करेंगे कि जिस टाइप की हम क्वालिटी चाहते थे उस टाइप की क्वालिटी से हमारा प्रोडक्ट बना है या फिर नहीं बना। फिर नोटिफिकेशन है कंट्रोल ऑडिट मैनेजमेंट सोन। देखो अब हम एक डायग्राम बताया हुआ है, ये देखो ये क्या है हमारी प्लान क्वालिटी कि इसके हमने प्लान किया कि इस टाइप की क्वालिटी को हम क्या करेंगे प्लान करेंगे। भाई मान लो हमें क्या चाहिए क्वालिटी जैसे कि ये मान लो कि हमें क्या चाहिए हमारे प्रोडक्ट के अंदर, मतलब हम ये जो मेरा एक प्रोडक्ट है ठीक है, ये मेरी एक नोटबुक है, मैं एक नोटबुक बनाने का काम करती हूँ। अब इसके ऊपर क्या चाहिए कि मुझे एक वंडरफुल नेम से है ना, मुझे इसके ऊपर एक स्माइली बनी होनी चाहिए कि ठीक है, एक बहुत सुंदर सी अच्छी सी स्माइली है चाहिए, येलो कलर के अंदर होनी चाहिए, इसकी जो आँखें हैं वो ब्लैक होनी चाहिए, और इसका जो लिप्स हैं वो क्या होनी चाहिए रेड कलर की होनी चाहिए। तो इस टाइप की हमें क्या चाहिए एक स्माइली इसके ऊपर होनी चाहिए। तो मैंने स्टैंडर्ड डिसाइड किया कि बिल्कुल ऐसी ऐसी कस्टमर डिमांड कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल ऐसी स्माइली क्रिएट करूंगी। उसके बाद मैंने क्या किया क्वालिटी को परफॉर्म किया, मैंने ये इस टाइप की अपनी बनाई मैन्युफैक्चर किया, फिर मैंने क्या किया इस पर कंट्रोल लगाए, फिर मैंने चेक किया कि ये जिस टाइप की स्माइली हमें चाहिए थी उस टाइप की स्माइली बनी है या नहीं बनी है। उसको हम क्या करते हैं परफॉर्म मतलब चेक करेंगे कंट्रोल लगाएंगे उस पर। फिर क्या आएगा परफॉर्मेंस इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल, अगर क्या हुआ जिस टाइप की स्माइली हमें चाहिए थी वो उसी क्वालिटी के साथ वो स्माइली नहीं बनी, तो हम क्या कर देंगे उस हमारे कंट्रोल को चेंज करेंगे, हमारे प्लान को चेंज करेंगे, और फिर वापस हम क्या बनाएंगे उसको प्लान को बनाएंगे, और फिर क्या करेंगे डायरेक्ट एंड मैनेजिंग द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, और फिर वापस हम क्या करेंगे उसे मैनेज करेंगे और वापस से हम वो बनाएंगे। अब देखते हैं हमारा ये देखो क्वालिटी इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड होता है, मास्टर डाटा स्टैंडर्ड और सेट। इसके अंदर एक हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे, फिर देखेंगे उस टारगेट को हमने मीट किया है या फिर नहीं किया, यानी जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया था उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या हमने प्रोसेस परफॉर्म किया है या फिर नहीं किया। फिर क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान एंड प्रिपेयर करेंगे, फिर देखेंगे कि क्वालिटी टारगेट अचीव हुआ है या नहीं हुआ, उससे रिलेटेड हम एक्शन लेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे क्वालिटी से इशू ताकि हम क्या कर सकें कि किस वजह से हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, हमारी क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो इशू आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो हम उनको
को क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। फिर इन केस ऑफ एनी चेंज इन द नीड इन द प्रोडक्ट, चेंज रिक्वेस्ट आर सेंड, कोई भी प्रोडक्ट में चेंज करने की ज़रूरत होती है तो हम चेंज रिक्वेस्ट भेजेंगे। और रिपोर्ट ऑन द ओवरऑल लेवल ऑफ क्वालिटी अचीवमेंट, और रिपोर्ट करेंगे हम क्वालिटी अचीवमेंट पे। और क्वालिटीज़ चेक है मल्टीपल पॉइंट टाइम की, क्वालिटी क्या करेंगे हम बार बार चेक करेंगे कि हमारी क्वालिटी सही है या फिर नहीं है। सो जो नेक्स्ट वाला मॉड्यूल आता है वो आता है हमारा प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल। तो ये वाला मॉड्यूल है जो प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ गाइस इतना ही इस वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल हैश टैग स्माइली। सो गाइज बाय बाय, स्टे हेल्थी एंड कीप स्माइल।